दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस कंपनी ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। अपने 2002 के जो हाईस था उस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसके टेक्निकल्स पे, इसके चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं दोस्तों स्क्रीनर पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी करती क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी प्रोवाइड करती है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, यानी कि GIS। इसमें ये क्या काम करती है दोस्तों? तो ये आप देख सकते हैं फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, डेटा कन्वर्जन, टेरेस्ट्रियल एंड 3D जियो कंटेंट इंक्लूडिंग नेविगेशन मैपिंग। दोस्तों ये बेसिकली मैपिंग, कंप्यूटर रिलेटेड मैपिंग का काम करती है दोस्तों ये कंपनी। और क्या करती है दोस्तों, किनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसके जो क्लाइंट्स हैं वो है टाटा प्रोजेक्ट्स, विन्या टेलीलिंक्स, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज, रिलायंस IT पार्क, और भी कुछ अन्य जो है इनके क्लाइंट्स बेस है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके जो इंटरनेशनल जो रेवेन्यू आया था वो 52%, जबकि साल 2022 में इसके रेवेन्यू इंटरनेशनल रेवेन्यू 90% कंट्रीब्यूशन था, यानी इंटरनेशनल रेवेन्यू में गिरावट आया है, जबकि जो विद इन इंडिया जो इसके क्लाइंट्स है वो क्लाइंट्स बेस इंक्रीज किए, जो कहीं ना कहीं एक तरह से पॉजिटिव बात है दोस्तों। क्योंकि अभी जिस तरह के ऐसे इंटरनेशनल माहौल चल रहा है तो जितने भी एक्सपोर्ट बेस्ड IT कंपनियां हैं उनके शेयर्स में भी कुछ खास एक्टिविटी होता दिख नहीं रहा है। वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक US के इंटरेस्ट रेट में गिरावट नहीं आए। और जैसा कि पावल साहब ने इंडिकेशन दिया है कि इस साल 2 रेट कट हो सकते हैं, तो फिंगर क्रॉस्ड अगर ये ऐसा होता है तो इंडियन IT कंपनियों के लिए, खासकर जो एक्सपोर्ट बेस्ड IT कंपनियां हैं उनके लिए माहौल काफ़ी बेहतर होगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों इनके और भी फंडामेंटल। तो देख सकते हैं दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके मार्केट कैप को देखें लगभग 2400 करोड़ का है। स्टॉक P के लिहाज से काफ़ी महंगा लग रहा है दोस्तों, जहाँ इंडस्ट्री P 37.4 है, स्टॉक P 264 इसमें, तो P के लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इवन अगर बुक वैल्यू की भी बात करें तो बुक वैल्यू है 5.73, वो भी उस हिसाब से भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है। अगर हम इसके डेट की बात करें तो डेट तो कुछ खास है नहीं, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.09, यानी इस पर कर्जा तो कुछ खास है नहीं। बट इसके अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव में है, कंपनी कोई पैसा बचा नहीं पा रही है। अगर इसके ROC और ROE की भी बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 7.55 और 4.66, ये भी कुछ खास है नहीं दोस्तों। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है दोस्तों, पैसे ही नहीं बचा पा रही, डिविडेंड क्या देगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से 10 करोड़। अब अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं दोस्तों कि जून में 6 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, फिर सितंबर क्वार्टर में यह हो गया 8 करोड़, और दिसंबर क्वार्टर में इसने गजब का जंप मारा दोस्तों, सीधे सीधे 8 करोड़ से सीधे सीधे 31 करोड़ हो गया। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सीधे सीधे 17-23 के बाद सीधे सीधे 52, यानी कि ये डबल से भी ज्यादा हो गया। और ये बड़ी वजह कि दोस्तों कि इस स्टॉक में रैली आ रही है, इस स्टॉक ने पिछले साल के हाई का ब्रेकआउट दिया, ये बड़ी वजह है। और बट देखना होगा दोस्तों कि इस क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है कि नहीं, उस पर काफी डिपेंड करेगा दोस्तों कि ये कंपनी कितने दूर तक जाती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट मिल गया उसके कारण जंप आया और फिर से ये गिरावट आ जाएगी, वो देखना होगा दोस्तों अगले क्वार्टर में। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जहाँ पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव था, दिसंबर क्वार्टर में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। EPS में भी देखिए दोस्तों नेगेटिव और फिर सीधे सीधे लगभग 4.19 रुपये का EPS अर्निंग पर शेयर आ चुका है। क्वार्टरली रिजल्ट तो काफी पॉजिटिव दिख रहा है दोस्तों, ये वजह है इसके रैली आने। अगर हम ईयरली रिजल्ट की भी बात करें दोस्तों, तो ईयरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों -2, 28, 59 और 61, तो 28 टू ये लगभग 59, तो ये बड़ा जंप है। लेकिन अगर TTM की बात करें तो 59 से 61 इसमें कुछ खास इंक्रीमेंट आई नहीं है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जहां पिछले ईयर 15 था, TTM में तो उल्टा गिरावट ही आई है। तो ईयरली रिजल्ट तो कुछ खास दिख नहीं रहा है दोस्तों, और ये जो भी हमें स्टॉक में रैली दिख रही है वो मेनली जो है क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर दिख रही है। ईयरली रिजल्ट सुधर सकता है अगर ये जो फाइनेंशियल का एंड, जो अभी जो रिजल्ट का सीजन शुरू हुआ, जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट है, अगर वो भी शानदार दिखा देती है दोस्तों तो ईयरली रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, और उस केस में कंपनी और भी लंबा रैली दे सकती है दोस्तों। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, तो बैलेंस शीट में आप देखिए दोस्तों इसके रिजर्व लगातार बढ़ ही रहे हैं।
और बोरिंग्स में देखें तो बोरिंग्स में भी इजाफा हुआ है, जहां 14-26 था 39 करोड़, 35 करोड़। अगर हम कैश फ्लो की भी बात करें दोस्तों, तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं, CFO आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। इन्वेस्टर्स की ओर चले दोस्तों, इन्वेस्टर्स का जो है इस क्वार्टर का जो है रिजल्ट, इन्वेस्टर्स का जो नंबर्स है इस क्वार्टर का, वो आ चुका है दोस्तों। जहां पिछले क्वार्टर में 39 था और लगातार ये 39 मेंटेन किया हुआ था, इस साल 2% की प्रमोटर्स ने बिकवाली की है। हालांकि अगर आप FIS की बात करें दोस्तों, FIS ने तो अब इसमें अपना स्टेक लगभग डबल कर लिया है, 4.5 से 8.5% अपना स्टेक इंक्रीमेंट कर लिया है। DIS ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी है, 0.06 से 10 हो चुका है। पब्लिक के पास से थोड़ा स्टेक कम जरूर हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स तो कुछ खास है नहीं, इसमें दो ही पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके जो FIS ने इसमें अपना स्टेक डबल कर लिया है, साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके जबरदस्त दिखाए हैं, खासकर पिछले क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में देखना होगा दोस्तों इसमें क्या होता है। अब चलते हैं चार्ट की ओर कि हमें चार्ट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों इस कंपनी का चार्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम पीछे से देखें तो ये 2020 में इसने अपना लो बनाया था, मार्च 2020 में, और उसके बाद से जो रैली आई थी उसमें इसने जो लोगों का पैसा है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है 2700%, बिल्कुल कमाल की बात है। ये 27 गुना आपका पैसा बना दिया था जिसने भी उस समय इसमें परचेज किया होगा। बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद ये जो 2022 में अपना हाई बनाया, फिर डिप दिया, फिर जब इसका रीटेस्टिंग किया तो यहीं से इसने रिजेक्शन लिया, और ये एम पैटर्न बना के आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एम पैटर्न बनाया है और उसके बाद से इसने गिरावट दी है। और ये गिरावट अगर आप देखें दोस्तों, ये कितने परसेंट की गिरावट है, तो देखिए दोस्तों ये लगभग आपको 60% की गिरावट दी। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन के बाद अभी फिर से ये रैली, अभी कितने परसेंट का रैली दे चुका है देखिए दोस्तों, अगर आप देखें तो अभी तक ये 135% की रैली फिर से दे चुका है, और अभी अभी इसमें रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, तो इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो इसके क्या पैटर्न इसका कहता है, कैसे इस ये स्टॉक चल रहा है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप इसका जो पैटर्न आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पहले तो ये ब्रेकआउट दिया, और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो इसका पैटर्न है 50 डे मूविंग एवरेज से बार बार ये टच करके वहाँ से बाउंस बैक लेता है, तो ये फिर ये देखिए दोस्तों, ये फिर से एक बार यहाँ पे आ चुका था, ये इसके पास आया था, और उसके बाद से वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर दोस्तों ये यहाँ से चाहे इसको टच करके वापस से बाउंस बैक देता है और इस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है, तो ये फिर से एक बाइंग का अच्छा लेवल होगा। बट अगर दोस्तों इस जो 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि अगर इसको तोड़ता है, ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये 582 रुपये का प्राइस पॉइंट पर ये 50 डे मूविंग एवरेज अगर इसको तोड़ के नीचे चला जाता है, तो ये जो इसका जो ट्रेंड है ये खराब माना जाएगा। बट अगर यहाँ से ये टच करके ये वापस उससे ऊपर जाता है, तो इसमें बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, खासकर इस जो लेवल है टच करके ऊपर जाने के बाद, ये जो 669 का लेवल है, अगर इसको फिर से क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो ये एक अच्छी बाइंग के लेवल है। सो दोस्तों, ये तो था हमारा डेली चार्ट पैटर्न। अब हम देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पैटर्न इसका क्या कहता है दोस्तों। सो दोस्तों, ये रहा वीकली चार्ट पैटर्न। अब वीकली चार्ट पैटर्न भी हमें बुलिश नज़र आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पिछले का और भी पिछले जो वीक था उसमें देखिए दोस्तों कितना परसेंट का रिटर्न देखिए दिया दोस्तों, ये देखिए 21% का रिटर्न दिया दोस्तों, और बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल के ज़रिए इसने ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी अच्छा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, और जैसा कि मैंने बताया उसके बाद 2 वीक से गिरावट जारी है। बट ये जो है इसका जो पैटर्न है 50 डे मूविंग एवरेज से चलने का, तो उसी हिसाब से ये गिरावट आई है। अब अगर यहाँ से वापस चलता है और इस लेवल को वापस से क्रॉस कर पाता 669 का, तो इसमें बाइंग का अच्छा लेवल बनता है और अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बनता है। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो ये जो 2022 का जो हाई बनाया था, कहीं ना कहीं इस हाई का ब्रेकआउट देने के बाद उसके रीटेस्टिंग के लिए भी ये नीचे आया है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि ये जो ग्रीन कैंडल, जो वीकली कैंडल बनाया था, उसके लो को इस रेड कैंडल ने तोड़ने का काम नहीं किया है, उसके लो के ऊपर ही ये इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप इसके पीछे जो क्या रहा है इसका पैटर्न, अगर आप वो देखें
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2011 में हाई बनाया था, उसके बाद इसने 2016 में एकदम लो बनाया, बट उसके बाद जो रैली दी दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये ऑल टाइम हाई जो इसका जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ने के बाद भी अगर आप देखें दोस्तों कितना ऊपर गया, उसके बाद लगभग सिर्फ 19-20% का ही रिटर्न दिया। उसके बाद ये जो है ये स्टॉक वापस नीचे चला गया और प्रीवियस जो लो था उसको भी तोड़ के और ज़्यादा नीचे चला गया। तो यहाँ देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के चलना है, ये नहीं कि इसने लगभग 2700% का रिटर्न दिया है तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगा देने हैं। आपको हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के चलना है और मेरे या किसी और के कहने पर कभी आपको स्टॉक या किसी भी शेयर में बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि पिछले बार की तरह ये थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे चलाए। बट यहाँ पे फिलहाल तो आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और अभी तो ये स्टॉक बुलिश नज़र आ रहा है। बट क्या हो अगर ये हम कब मानेंगे कि ये स्टॉक नेगेटिव हो जाए, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये 50 डेज जो मूविंग एवरेज पर आपको दिख रहा है जो कि लेवल है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जो लेवल है 582 का, अगर उसके नीचे चला जाए तो फिर ये जो बुलिशनेस है, ये जो ट्रेंड है, ये नलीफाई हो जाएगा, फिर स्टॉक ये ट्रेंड खराब हो जाएगा। बट अभी तो इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और यहाँ एक अपसाइड पोटेंशियल बनता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ से कितना ऊपर कितना रिटर्न दे सकता है दोस्तों, तो उसे भी देख लेते हैं दोस्तों कि अगर हम इसके बॉटम से अगर हम मेज़र करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें अपसाइड पोटेंशियल जो बनता है वो एक लेवल बनता है 1053 का, ये 1056 का लेवल बनता है। इवन अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव भी बन जाते हैं दोस्तों, तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी बन जाए तो भी अगर ये यहाँ से अगर ट्रेंड पकड़ता है तो कम से कम 992 तक तो इसका प्राइस जा ही सकता है। बट जैसा मैंने कहा, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के चलना है दोस्तों। अभी तो ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, अभी ये चल भी रहा है और यहाँ वॉल्यूम भी अच्छे उठ रहे हैं, बट ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों कि इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट कैसा आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो ये एक अच्छा पोटेंशियल वाला स्टॉक है दोस्तों, इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।